नमस्कार देवी सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैंने सलाम भी कर दिया, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मैं सलाम नहीं करता हूँ अपने वीडियो के स्टार्टिंग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नमस्कार। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लुलू मॉल की तरफ। आज अब्बास मियाँ जो ये बैठे हुए हैं, इन्होंने स्कूल से आते ही कहा कि अब्बा कहीं घूमने जाना है। तो मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो कहने लगे लुलू मॉल जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब हम लोग लुलू मॉल जा रहे हैं, वैसे तो हम लोग कई बार जा चुके हैं लेकिन 2023 में आज पहली बार हम लोग लुलू मॉल जा रहे हैं। और आज है 27 जनवरी 2023, और मैं आज आप लोगों को दिखाता हूं कि लुलू मॉल कैसा है, क्या है अंदर, जो चीज़ें मैं देखूंगा, जो चीज़ें मैं देखने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, वही चीज़ों को आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। शहीद स्मारक का रास्ता है, सफाई चल रही है, यहाँ पे कोई तो आने वाला मुझे लग रहा है, या कुछ चीज़ें हो रही हैं। और आपको यूँ बताऊं कि लखनऊ इतना खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पे हर चीज़ है, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्टेडियम्स हैं, घूमने फिरने की जगहें हैं, और इतना खूबसूरत और इतनी सेफ जगह है लखनऊ, और अच्छी जबान है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग यहाँ पे प्यार से इज्जत दे के बात करते हैं और इज्जत चाहते हैं कि लोग उनको भी दें। और आजकल एक नई चीज़ें शुरू हो गई हैं, कैलीग्राफी यहाँ पे दीवारों पे, वॉल्स पे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। बस एक चीज की प्रॉब्लम है कि अनसिस्टमेटिक पार्किंग कुछ जगहों पे यहाँ पे सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 6:30 हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑफिस को छूटने का टाइम हो रहा है। अच्छा आमना, तुम मुझे एक बात बताओ, लखनऊ में तुम्हें क्या पसंद है? खाना तो बेहतर ही है, लेकिन फैशन सेंस तो हर जगह का अच्छा होता है। राजस्थान का भी अच्छा है, मध्य प्रदेश का भी अच्छा है, केरल का भी अच्छा है। क्या अलग फीलिंग आती है? और ये हमारा के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन, कितना सही है यहाँ पे। ये कैफे एक नया खुला हुआ है, किसी दिन जाएंगे यहाँ पे। मसाकी ड्रेसेस का भी है और कैफे कुछ है, सारी चीजें। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हजरतगंज स्टार्ट हो जाता है। हाँ ये, और यहाँ पे एक और कल्चर है कि यहाँ पे जितने भी बोर्ड आपको दिखाई देंगे ना, वो सारे आपको ब्लैक एंड वाइट के शेप में दिखाई देंगे, कलर में, कलर कॉम्बिनेशन जो रखा गया है वो सारी जगहों का ब्लैक एंड वाइट का ही रखा गया है। देखिए HDFC का बेसिकली ब्लू और सारी चीजें होती थी, लेकिन HDFC भी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में रखा गया है। ये रूल है यहाँ का, हजरतगंज का। और एक घंटा पहले हम लोग लखनऊ मतलब अपने घर से लुलू मॉल के लिए निकले थे, और अभी भी हम लोग ट्रैफिक में ही हैं। और ये जो ट्रैफिक है इस वक्त, ये तकरीबन आधे किलोमीटर दूर तक ये ट्रैफिक है, ऐसे ही गाड़ियां एक के ऊपर ही लगी हुई है। और ये आ गए हम लोग लुलू मॉल की तरफ। यहाँ से आती है इसकी पार्किंग, जहाँ हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी की है। और ये है लुलू मॉल की पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है यार, और हजारों गाड़ियां यहाँ पे आ सकती हैं। और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली लुलू मॉल के लिए, जो पार्किंग के रास्ते से होके अंदर जाती है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होता है, तो उसको हम लोग कैमरे में दिखा नहीं सकते। और ये रहा एस्केलेटर जो डायरेक्ट निकलता है आपके लुलू मॉल के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ज्वेलरी देखी जो हम लोग ले नहीं सकते थे, उसके बाद ATM जो बंद पड़ा था। और इस मॉल के अंदर कई सारे एस्केलेटर्स हैं, कोस्टा कॉफी भी है, और काफी बड़ा मॉल है लुलू मॉल। मैं वैसे कई बार आ चुका हूं, लेकिन आप लोगों को मैं पहली बार दिखा रहा हूं। और मैकडी भाई पीछा नहीं छोड़ेगा, जहां आप जाएंगे मैकडी आपके साथ जाएगा। गीतांजलि सलोन भी है यहां पे, लेकिन ये क्या है मुझे नहीं मालूम। और यहां पे मैं बताऊं तो मॉल के अंदर पेड़ लगे हैं, मतलब अच्छे खासे बड़े पेड़। लेकिन पहले हम लोग गए डीकैथलॉन में। डीकैथलॉन में हम लोगों ने कुछ यहाँ पे शॉपिंग की, एक दो चीजें ली, बहुत अच्छा यहाँ पे डीकैथलॉन। देखिए क्या है ना, स्पोर्ट्स ब्रांड से रिलेट करता हुआ यहाँ पे सारी चीजें हैं। ये चश्मा कैसा है आप लोग बताओ, इसको पहन के गाड़ी चलने लेंगे, नाक पे आ रहा है।
और अब्बास मियां ने भी ये गॉगल जो है वो गॉगल समझ के पहन लिया था। बेसिकली क्या है, ये हेलमेट के लिए है, राइडिंग के लिए। और ट्रैम्पलिन पे तो अब्बास साहब उछलते ही रहे। आमना को भी ये कैप पसंद आ गई थी। और उसके बाद हम लोग एस्केलेटर से ऊपर चल दिए, यानी कि डीकैथलॉन में ही दो डिपार्टमेंट है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है। और बच्चे तो एंजॉय करते ही हैं भाई। डीकैथलॉन इससे पहले एक इंडिविजुअल स्टोर हुआ करता था, वो लूलू मॉल में नहीं था, लेकिन अब इन्होंने इसको लूलू मॉल में कर दिया। तो तुमको क्या लग रहा है कि लूलू मॉल में जो स्टोर है वो सही है या पहले जो इंडिविजुअल हुआ करता था पहले वाला? रेट्स इनको लग रहे हैं कि कुछ इन्होंने बढ़ा दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वही है भाई, वैसे ही है। ये साइकिल का डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इन चीज़ों को लेने के लिए। और ये वाली साइकिल जो मैं कुछ दिनों के बाद ले लूँगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि एक बार मेरे दांत टूट चुके हैं स्केटिंग करने में बचपन में। और ये मैंने बताया था कि पेड़ लगे, एक्चुअल पेड़ हैं, ये ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल पेड़ हैं, ये एक्चुअल पेड़ हैं और ये बड़े हो रहे हैं। जब हम लोग पहली बार आए थे तो थोड़े से मतलब छोटे थे, लेकिन अभी अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। और जब आप शॉपिंग करके थक जाएं तो आप यहां पे आराम भी कर सकते हैं। कई सारे ब्रांडेड स्टोर यहां पे हैं जो औकात से बाहर हैं। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कुछ यहां पे चल रहा था, नायका का भी शोरूम यहां पे है, जॉन एंड जैकब्स का भी है, कई सारे हैं यहां पे। बीइंग ह्यूमन का तो भाईजान का तो हर जगह हो गए भाई होगा। और काफी बड़ा मॉल है भाई, इसकी सीलिंग जो है, जो छत है, ये काफी ऊपर है, जो यहां से तो आपको इतनी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन है ये ऊपर। और यहां पे बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और चलते चलते आमना को पसंद आ गया चॉकलेट मफिन, तो हम लोगों ने मंगवा लिया। 160 रुपए का था चॉकलेट मफिन। ये भाई साहब लेके आ रहे हैं, साथ में दो स्पून भी लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं ये है कैसा। आमना ने ट्राई किया तो आमना को ये ठीक लगा, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक लगा। मैंने भी जब ट्राई किया तो काफी ज्यादा ड्राई था। अब मफिन्स जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है, कोई बहुत अच्छा नहीं लेकिन कोई बहुत खराब भी नहीं। 160 रुपए का मफिन्स है चॉकलेट मफिन। और ये जो डिपार्टमेंट है ये बच्चों के लिए है, यानी कि बच्चों के वहाँ पे झूले, फनच्यूरा करके कुछ ऐसे, पता नहीं एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम। और ये 26 जनवरी के लिए यहाँ पे कुछ इन लोगों ने बनाया था यहाँ पे। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क भी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आके जान सकते हैं। स्टारबक्स तो भाई आपकी कहीं पर भी आपको छोड़ेगा नहीं, वो हर जगह मौजूद है। और ये जो मेलोरा का जो यहाँ पे जो शोरूम था, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी पसंद आया। यूनिकॉर्न भी आपको हर जगह मिल जाएगा, एप्पल का कोई भी ब्रांड अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। कलर बार के यहाँ पे आउटलेट्स हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स के आउटलेट्स हैं। और अब जहाँ हम लोग जा रहे हैं हाइपर मार्केट, ये इस पूरे मॉल का सबसे एक्साइटिंग और सबसे बढ़िया जगह जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब आप राशन लेना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल कोई चीज़ लेना चाहते हैं, आप कॉस्मेटिक लेना चाहते हैं, आप बच्चों के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, एनीथिंग, मतलब आपको फर्नीचर नहीं मिलेंगे, वो एक अलग जगह मिलेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं मिलेगा, वो लूलू का एक अलग डिपार्टमेंट है, वो आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोसरी, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आप घर के ज़रूरत के लिए सारे सामान लेते हैं, वो यहाँ पे आपको ईजी अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पे इंजॉय करने के लिए एक टॉय कार भी खड़ी हुई थी। ये टिफ़िन है, ये 50% ऑफ पे मिल रहे थे, 50% ऑफ पे, और अच्छी खासी क्वालिटी थी इसकी। ये जितने भी बर्तन थे ये सब के सब 50% ऑफ पे मिल रहे थे, मतलब ये सारे जो बर्तन आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे 50% ऑफ पे थे। ये बर्तनों का सेक्शन है, यूटेंसिल्स का सेक्शन है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है ना कि आपको रॉ फिश, रॉ मीट, रॉ चिकन, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जैसे कि यहाँ पे देखिए तो ये सारे मसाले लगे हुए हैं कि आपको खाली घर पे जाना है और इनको फ्राई करना है या तल लेना है या पका लेना है। कोई मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, ये पे रेडीमेड आपको मिल जाता है। और ये रॉ है, अगर आप रॉ लेना चाहते हैं तो रॉ भी मिल जाएगा। और ये भाई साहब होल मटन का पूरा पीस पड़ा हुआ था जो 6000 रुपये का था,
फिश भी यहाँ पे हैं, प्रॉन्स भी यहाँ पे हैं, जितनी भी चीजें हलाल हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है आपके। और ये फिश देखिए ग्रीन, नहीं सॉरी ब्लू, ये कौन सा कलर है मुझे नहीं मालूम। और सामान तो देखिए हर तरह के अवेलेबल हैं यहाँ पे। फ्रूट मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वेजिटेबल मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी है, अच्छी खासी यहाँ पे वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं और हर कैटेगरी हर क्वालिटी के यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि एक ही जैसी चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे। आपको नेशनल और इंटरनेशनल टाइप के फूड्स और वेजिटेबल्स और सारी यानी कि इंडिया के बाहर से जो भी चीज़ें आती वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और ये चेरीज जो थी ओनली 49 रुपीज़, 49 रुपए का पूरा बॉक्स, अच्छे रेट है यहाँ पे। ये जो मैंने तो दो ले लिए भाई। ये देखिए डेट्स है ना, खजूर जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छी खासी क्वालिटी के, अच्छी खासी क्वांटिटी में आप टेस्ट नहीं कर सकते। ड्रैगन फ्रूट भी अवेलेबल है यहाँ पे। वेजिटेबल यहाँ पे जो है वो आपको बैग्स में मिल जाएंगे, 4-4, 5-5 किलो के। फिर उसके बाद यू नो पाइनएप्पल है तो आप देख ही रहे कि क्या है। और मूंगफली यहाँ पे जो पैक करके दी जाती, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो बाजार से ही लूंगा भाई। फिर उसके बाद में आपको लिक्विड की सारी चीजें, फिर यहाँ पे केक्स पेस्ट्रीज है ना, ये ओपन किचन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये इनका ओपन किचन है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्या पक रहा है। और अरेबियन स्वीट्स यहाँ पे जो अरब की तरफ से, जो मिडिल ईस्ट की तरफ से जो स्वीट्स होती हैं वहाँ की, वो स्पेशली यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो मॉल है ना वो एक्चुअली क्या है कि जो जिनका है ओनर वो दुबई के हैं तो वो एक्चुअली केरल के, बट वो दुबई में उन्होंने सारे मॉल अपने बना रखे हैं। तो वो वही कॉन्सेप्ट लेकर इंडिया में लखनऊ में आए। लखनऊ में मेरे इंडिया में मेरे ख्याल से खाली दो मॉल हैं, एक लखनऊ में है जो बहुत बड़े एरिया में इन्होंने बना रखा है। तकरीबन 2000 करोड़ या 2500 करोड़ की लागत से मॉल बना था। और ये मसाला गुआवा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये सेक्शन जो है काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है आप जितने भी चीज़ लेंगे ना वो वेट होगा, और वेट करने के बाद जो भी उसका प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। ये अच्छी चीज़ होती है। स्वीट्स की पूरी शॉप यहाँ पे, ये सब मॉल के अंदर ही है और ये हाइपर मार्केट के अंदर है, तो ये बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और ये आर्टिफिशियल बर्फ़ नहीं भाई, ओरिजिनल बर्फ़ है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, शेक्स वगैरह जिसे कह सकते हैं। और ये सैलेड का, यहाँ पे आप सैलेड लेना चाहते हैं खुद से आप कस्टमाइज करिए सैलेड। मैंने तो ढोकला लिया, ये मसाला ढोकला और नॉर्मल ढोकला दोनों। अब बताइए इतना बड़ा ढोकला जार के साथ में ओनली 44 रुपए का। और फिर समोसे आपको लेने हैं, ब्रेड पकौड़ा आपको लेना है, चिकन सैंडविच आपको लेना है, ये बहुत सारी चीज़ें, कचौड़ी आपको लेनी है, प्याज वाली कचौड़ी, अनियन कचौड़ी, ये सब बहुत सस्ती भी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी हैं और बहुत क्वांटिटी में भी हैं। तंदूरी गोभी क्या है मुझे नहीं मालूम, तंदूरी गोभी ना मैंने कभी खाई। चाउमिन वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना, सारे आइटम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने भी भाई अपना सैलेड जो था फ्रूट सैलेड वो खुद से कस्टमाइज किया। ये देखिए मैं खुद से ही कस्टमाइज कर रहा हूँ, यानी कि कोई आपको निकाल के नहीं देगा, आपको बॉक्स दे दिया जाएगा, आप जो चाहें उसमें ले सकते हैं। एक प्राइस रेट होता है 256 रुपीज़ फॉर केजी, तो इसके हिसाब से है सारा। और ये जो लाइन होती ना इससे इंसान हमेशा घबराता है, यहाँ पे आपको बहुत लाइन लगानी पड़ती, लेकिन इतने सारे काउंटर इनके हैं कि यहाँ पे लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम लोगों ने भी लाइन नहीं लगाई। और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ खाना है, कैफेटेरिया जाना है, तो ठीक उसके सामने से एक लिफ्ट जाती है जो आपको ऊपर जाएगी। और ऊपर भी सेकंड फ्लोर पर भी अच्छे खासे यहाँ पे बारबेक्यू नेशन है, बोलिंग आप कर सकते हैं, एडिडास का शोरूम है, स्केचर का शोरूम है, यू नो कई सारे हैं, काफी कैंटीन भी है यहाँ पे, कई सारी चीजें। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे 90 रुपीज़ का एक मील लिया है, जिसमें ये सैंडविचेस मिले हैं, फ्रेंच फ्राइज मिली है, और एक रॉ जो है प्रोसेस्ड जो है वो ऑरेंज जूस आपको मिला है, जिसकी MRP है 240। और अगर सही में देखा जाए तो इन्होंने शायद ये 10 या 12 रुपए में हम लोगों को दिया है, तो बढ़िया है। और ये सैंडविच हम लोगों को जबरदस्त मिल गया था सिर्फ 99 रुपीज में, और कॉम्बो मिला था। कुछ जगहों पे आपको लगेगा कि लुलू मॉल ने तो कमाल कर दिया रेट्स के मामले में, और कुछ जगहों पे आपको लगेगा जो ब्रांडेड स्टोर है कि भाई कमाल कर दिया इतने रेट्स, इतना महंगा। तो देखिए मॉल है, हर तरह के लोग, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे, हर तरह के लोग अवेलेबल है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे, ब्रांड से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट अच्छा है, एक मिला जुला मिक्सचर है यहाँ पे। फिर इसके अलावा कैफेटेरिया का तो बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब कैफेटेरिया ऐसा नहीं कि छोटा सा है, कैफेटेरिया काफ़ी बड़ा है। और फिर अगर आपका मोबाइल यहाँ पे घूमते घूमते डिस्चार्ज हो जाए तो आप यहाँ पे चार्जिंग भी कर सकते हैं, ये है ना अच्छी बात।
और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पूरा इनका कैफेटेरिया है और इसी के सामने इनकी सिटिंग की बैठने की जगहें हैं। और ये हाउस ऑफ कैंडी, आई कैंडी था यहाँ का जो ये स्टोर है। अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिल रही थी हाउस ऑफ कैंडी में। फिर छोटे छोटे स्टॉल्स, छोटे छोटे स्टोर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो अमूमन आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। डेनब्रो जो आपने, मैंने अभी तक खाली दिल्ली में देखा था और मैं तो मैच देखने लगा वहां पे, एक बड़ी सी वॉल पे एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, ये देखिए। और ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये बच्चों का है, तो अभी मैं तो वहां जाऊंगा नहीं क्योंकि अब देखिए एक बार में पूरा मॉल घूमना पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चे हैं नहीं, बच्चे खाने पीने में लगे हुए थे। मैंने कहा था मैं थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ। KFC भाई यहाँ पे है, मैकडी यहाँ पे है, डोमिनोज यहाँ पे है, और इसके अलावा टैको बेल यहाँ पे है, पिज़्ज़ा हट यहाँ पे है, वाओ चाइना यहाँ पे है, कई सारे ऐसे स्टोर हैं जो आपको देखने को अमूमन नहीं मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और और सिटिंग कैपेसिटी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ही नहीं इन सारी चीजों की। और ये एक मीना बाजार टाइप का भी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लगा हुआ था, तो जहां पे जूते, चप्पल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चूड़ियां, बैंगल्स है ना, हार और तमाम तरह की चीजें। वैसे मुझे बहुत ज्यादा औरतों के कपड़ों या औरतों के एक्सेसरीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो यही सब सारी चीजें हैं, ये आई थिंक आर्टिफिशियल है। और चूरन और खट्टी मीठी गोलियां ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, हर जगह अवेलेबल होती है। और ये वुडन के कुछ, लेकिन काफी महंगे थे ये, आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट तो नहीं कहेंगे, आर्टिफिशियल है ये, लेकिन रेट्स में काफी ज्यादा थे, ये रेट्स इतने नहीं होने चाहिए थे क्योंकि ये अमूमन हम लोग को मेले ठेले पे मिल जाते हैं सब। और ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप की ही है। और सच बात बताई जाए तो लुलू मॉल आप एक दिन में पूरा नहीं घूम सकते हैं, और यहाँ पे हर कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है, बहुत रिच फैमिलीज़ के लिए भी बहुत कुछ है, सेमी रिच के लिए भी सब कुछ है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी सब कुछ है, तो सबके लिए यहाँ पे सब कुछ है, तो आप लोग ज़रूर आएँ। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं हमें नहीं पता, लेकिन रिच कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आते। और ये बहन जी जो थी ये घूम रही थी, तो हम लोग इनको बैठे खाली देख रहे थे, अभी घूमेंगी 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 और घूम गई। फिर फाइनली रात का बज गया है 9 और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। लुलू मॉल हमारे यहाँ से तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर पड़ता है, जो मेरा घर है जहाँ से, और आज का सफ़र बस यही रहा। लुलू मॉल पूरा दिखाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए 1.5 घंटे 2 घंटे का एपिसोड बन जाएगा, और बहुत ज़रा ज़रा सी चीज़ें आपको दिखा के कोई मतलब नहीं निकलेगा। खाली ग्लिम्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, ग्लिम्स तो इसमें भी है ऑफकोर्स, जाहिर सी बात है, लेकिन ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यूं ही सपोर्ट दिखाते रहिए। अगली दफ़ा किसी और सब्जेक्ट के साथ कहीं पे और मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, नमस्कार, सी यू, सायोनारा, बाय बाय।